हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आश्रम चेक किया? हाँ सर। पार्किंग रिसेप्शन? मैंने सभी जगह चेक किया पर किसी ने भी रेड प्रिंटेड टॉप पहनते हुए गोरी लड़की को बाहर जाते हुए नहीं देखा। अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वॉशरूम भी जाती तो अपना मोबाइल साथ लेकर के जाती, टेबल पर थोड़ी ना छोड़कर जाती। सर, हमने पूरा पब छान मारा, पार्किंग लॉट, किचन एरिया सब में चेक कर लिया, पर आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने उसे अंदर जूस लेते हुए देखा है। जूस? जूस? ए, तू ही ना, तूने ना, तूने जूस सर्व किया था ना उसको? क्या डाला था जूस में? सर छोड़िए, मैंने सिर्फ उसे जूस सर्व किया था, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तू? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। अपना गुस्सा इस पर निकालने से कोई फायदा नहीं, हम लोग अंगना को ढूंढ निकालेंगे, तो टेंशन ना ले यार। ए मैनेजर, एक बात याद रखना, अगर मेरी अंगना को कुछ हुआ ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस पब पर तुम सब पर केस करूंगा। अंगना, 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 आइस पिक से गले पे वार किया गया है और फिर लाश को बर्फ में जमा दिया गया है। मैनेजर का कहना है कि लाश उन लोगों को लगभग रात को 11 बजे मिली। आप लोग जानते हैं कौन है ये लड़की? जी नहीं सर। कमाल है, किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं आप? आपकी आइस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया जाता है, उसकी लाश को बर्फ की सिल्ली में जमा दिया जाता है और आप में से किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। साहब, कल रात को ये सिल्लियां यहाँ बर्फ जमाने के लिए रखी गई थी, अब कौन आया, कब लाश को बर्फ में जमा दिया हमें कुछ नहीं पता साहब। हमें तो इन सिल्लियों की डिलीवरी करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए। आपको ये तो पता होगा कि इस आइस फैक्ट्री का मालिक कौन है और कहाँ है? साहब, मालिक भोपाल में रहते हैं। साहब, असल में हर समय इस फैक्ट्री में कोई नहीं रहता, जब भी काम होता है मैं इन सबको बुला लेता हूँ। तो चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। ये बर्फ की सिल्ली अंदर फैक्ट्री से ही लाई गई है ना? जी साहब। चलो चेक कर लेते हैं। श्रेया, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर। हेलो सर, गजीबो पब में एक लड़की का खून हो गया सर। क्या? हाँ सर, उसे किसी ने आइस स्टिक से मार दिया है। कहाँ पे? गजीबो पब अंधेरी। आइस? हाँ सर, प्लीज सर आप लोग जल्दी आ जाइए। ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? गजीबो क्लब में एक लड़की का खून हो गया है और उसे भी आइस पिक से मारा गया है। हेलो दया, सर इसकी नाक हल्की सी सूजी हुई है और इसके गले पे ये चोट का निशान है।
बाकी शरीर पे कोई हाथापाई के निशान नहीं। इसका मतलब खूनी ने अंगना को यहाँ पे पकड़ा और आइस पिक से सीधे इसके गर्दन पे वार कर दिया। आपको कैसे पता चला सर, यहीं पर क्यों? विनीत ये देखो, ये खून के छींटे यहाँ फ्रिज पे पड़े हैं और एक इतना सारा खून जमीन पर यहाँ पर है। अरे खून तो एकदम उसी तरीके से हुआ है जिस तरह गोरेगांव आइस फैक्ट्री में खून हुआ। हाँ विनीत, ये दोनों खून किसी एक ही दरिंदे ने किए हैं और ये निशान देख रहा, ये खून के निशान कोई सिंबल है। ये काम करो, इस निशान के फोटोग्राफ्स निकालो चारों एंगल्स। सर आइस फैक्ट्री और पब में खून एक ही दिन में, हथियार और वार का तरीका भी एक ही, ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। ठीक कह रही हो तुम पूर्वी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, चुनौती है। ये चुनौती, अगर वो कातिल चाहता तो ये दरवाजा बंद करके भाग सकता था, ये खून के निशान मिटा के भाग सकता था यहाँ से, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर खून के घसीटने का निशान बनाकर हमें चैलेंज किया है। हाँ सर, अगर वो छुपाने की कोशिश करता तो ना जाने कितने दिन तक अंगना की लाश भी नहीं मिलती। उस कातिल ने जुर्म को छुपाया नहीं है, दर्शाया है, चैलेंज किया है हमें कि मैंने खून किया है, जो करना कर लो। टूटा हुआ हार मिलाया सर। इधर आई। जी सर। ये पहचानते हैं तुम्हें से किसी का है? सर ये हमारे यहाँ तो किसी का भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ आदमी काम करते हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टूटा हुआ हार उस लड़की का है जिसका खून हुआ है? हो सकता है, यहाँ पे हार मिला है इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ हुआ होगा। ये देखा खून, किसी के घसीटने के निशान है सर। यहाँ आगे तो खून का निशान है, अगर खूनी यहाँ लाश को लेके आया था तो दरवाजे से लेके आया था। उधर खून का निशान नहीं है, यहाँ आसपास भी नहीं है, सिर्फ इसी एरिया में। तो ये खून से कुछ निशान बनाया लगता है, खूनी ऐसा करेगा क्यों? जानबूझ के कर रहा है सचिन, जानबूझ के, ताकि हम लोग उसके पीछे आए। क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर हम लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे, अंगना वहां टेबल के पास बैठी हुई थी, अचानक मैंने मुड़ के देखा तो वो वहां पे नहीं थी, उसके टेबल पे उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। कहाँ है वो मोबाइल? ये रहा सर। आखिरी बार अंगना को किसने देखा था? मैं उससे बात करके निकल रहा था सर, तो ये वेटर जूस लेके जा रहा था उसके पास। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर बोलो सर, मैंने बस मैडम को जूस दिया और फिर वहां से निकल गया। अजीब बात है, एक लड़की नीचे पब में से यहाँ ऊपर आती है और किसी ने देखा नहीं। तो लगता है कि अंगना कातिल को पहचानती थी, वरना वो किसी अनजान आदमी के साथ यहाँ तक नहीं आती। आप कितने लोग आए थे यहाँ पे पब में? सर हम 5 लोग थे। और सारा वक्त आप लोग साथ में थे, कोई अकेले बाहर नहीं गया? नहीं सर। पूर्वी लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो, अग्रित इन सब की डिटेल्स ले लो। दो खून एक ही इलाके में और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, दोनों में हथियार आइस पिक और लाशों को दफनाया गया बर्फ में। सर अंगना के घरवालों से पता किया था, अंगना और ये दूसरी लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो फिर तो सर ये मर्डर्स एक सीरियल किलिंग है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले भी
पहले भी ऐसे खून हो चुके हैं। श्रेया, जरा हमारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो आइस पिक से कितने मर्डर्स हुए हैं। आइस पिक से सर? हाँ सर। जिस तरह से ये त्रिकोण बना है खून से, ये आइसक्रीम कोन जैसा कुछ है। हाँ है तो कोन ही सर। हाँ मिला। हाँ सर ये देखिए, ठीक इसी तरह के खून एक सीरियल किलर पहले कर चुका है। मैंने कहा था ना आइस पिक से खून, बर्फ में लाशें और आइस कोन का निशान भी। ये दोनों केसेस तो बिल्कुल एक जैसे ही। हाँ सर ऐसे ही एक सीरियल किलर का केस हमारे रिकॉर्ड में है। उसका नाम था मानव और साल 2006 में 2 महीनों में उसने 9 औरतों के खून किए। बांद्रा के एक आइसक्रीम पार्लर कूल जोन का मालिक था वो। कूल जोन आइसक्रीम पार्लर का मालिक मानव? तो फिर सर ये मानव ही फिर से खून कर रहा है? नहीं सर, पिछले 6 सालों से उसके दिमाग का इलाज चल रहा है, वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है। अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है मानव? वो भी पिछले 6 सालों से? तो फिर इन औरतों का खून कर कौन रहा है? सर इस मानव से मिलते हैं। सर हाँ रिकॉर्ड ऑफिस। दोनों औरतों की उम्र 25 और 30 के बीच में और दोनों औरतों को मारने से पहले नशीली दवाई सुंघाई गई। नशीली दवाई सुंघाई गई इसीलिए इसीलिए अंगना की नाक में सूजन थी। पर सर हो सकता है अंगना को उस दवाई से एलर्जी हो। रेया इस दूसरी लड़की के नाक पे भी तो सूजन थी। शायद इस कुनी को पता नहीं होगा सर कि कितनी मात्रा में दवाई सुंघानी है। और तो और अभी दोनों औरतों के गले पर नाखून के निशान और निशान में ऑयल पेंट। ऑयल पेंट? अरे खूनी कहीं पेंटिंग वेंटिंग का काम तो नहीं करता है? आ रहा जा ठीक है। ओके सर। हाँ रजत ने हमें हेवी रूम में बुलाया। अंगना के मोबाइल फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिले हैं। सर अंगना ने अपने मोबाइल पर अपने दोस्तों की रिकॉर्डिंग की, फिर उसने जूस मंगवाया, तब उसने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू थी सर, इसलिए उसके और आइस पिक किलर के बीच में जो भी बातचीत हुई वो फोन में रिकॉर्ड हो गई। बस चेहरे दिखाई नहीं दे रहे सर, वीडियो तो थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट हो जाता है, आवाजें हैं सर। गुड। और सर हमने सारी रिकॉर्डिंग को डीवीडी में ट्रांसफर कर दिया सर। एक्सेलेंट, चलो देखते हैं डीवीडी। वीडियो बनाने बैठ गई? अरे अपनी सगाई की पार्टी है, चलो डांस करते हैं। ओके एज यू विश, अगर तुम्हें लगे कि डांस करना है तो आ जाना, हम लोग वहां डांस कर रहे हैं। ओके आना यार। मैम जूस। मैम जूस के लिए आइस लेंगी आप? नहीं नहीं मुझे आइस नहीं चाहिए। क्यों मैम? टॉन्सिल्स की वजह से? मगर हाल ही में तो आपका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ है। क्या? मेरे ऑपरेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, कई ऐसी बातें जिससे आपको खतरा है। देखिए मैम यहाँ पर बहुत खतरा है, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको सब बताता हूँ। दो दो वेटर्स है, दो दो वेटर्स। वेटर नंबर 2 ये गड़बड़ है, अंगना के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी जो टॉन्सिल की बीमारी थी उसके बारे में भी जानकारी थी उसे। यानी खूनी ने पहले से खून करने की पूरी प्लानिंग की थी। इस अंगना के घर वालों से पता लगाना चाहिए कि कौन और कौन जानता था अंगना की इस टॉन्सिल्स की बीमारी के बारे में, और फिर इस मानव के घर वालों से भी पूछना चाहिए
कि ऐसा कौन था मानव के करीब जो उसकी हरकतों के बारे में जानता था। ये मानव जी का घर है? मानव जी यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये मानव का घर है और हमेशा उसी का रहेगा, और मैं उसकी धर्मपत्नी, उसकी वाइफ हमेशा रहूंगी। और आप लोगों को कोई हक नहीं है हमसे कोई सवाल पूछने का, चले जाइए यहाँ से। देखिए मैडम, हम आपके पति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। आप प्लीज बात को समझिए। हाँ, मैंने आपसे कह दिया ना, आप लोग जाइए। विजय डिया, नंदिनी जी, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, और बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें। मदद करें? मदद क्यों करें? क्योंकि जिस तरह साल 2006 में आपके पति ने औरतों के हत्याएं की थी, ठीक उसी तरह से फिर से औरतों के खून हो रहे हैं। हत्या कर रहे? मिसेस नंदिनी, आप सुन रही है ना? मिसेस नंदिनी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मानव ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। मानव पागल नहीं है, वो पागल खाने में। उसे फांसी देकर कत्ल मत कीजिए प्लीज, उसे मत मारिए। उसने जो भी किया वो जानबूझ कर नहीं किया। मिसेस नंदिनी, हमने कब कहा कि उसे फांसी होने वाली है? ना तो वो हॉस्पिटल से फरार हुआ है और ना ही उसने इस बार किसी का खून किया है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कौन हो सकता है जिसे मानव के खून करने के तरीके के बारे में पता है। मेरा मानव ठीक हो जाएगा, मानव ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी? तुम्हारा दरवाजा खुला था, आवाजें आ रही थी, ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। और आप लोग कौन? सर, आई एम रोहित, ये मेरी वाइफ है सारा। हम साथ वाले बंगले में ही रहते हैं। हम मानव और नंदिनी के दोस्त हैं, 7 सालों से इन्हें जानते हैं। तब तो आपको ये भी पता होगा कि साल 2006 में मानव ने क्या किया था। उसने किया नहीं था, उसने जबरदस्ती नहीं किया था, उससे हो गया था। और अब साल 2012 में ठीक वैसे ही हो रहा है। क्या फिर से? लेकिन मानव तो हॉस्पिटल में, फिर ये कैसे? उसी की तहकीकात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सॉरी सर, लेकिन नंदिनी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। क्यों? जो कुछ भी हुआ उससे नंदिनी के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। मानव का नाम सुनते ही विचलित हो जाती है, बात ही नहीं कर पाती। वो तो हमें दिखाई दे रहा है। सभी रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया, बिल्कुल अकेली हो गई थी वो, हम ही ने इसे संभाला है। नंदिनी का आइसक्रीम पार्लर भी घाटे में चल रहा था, हमने उसे बेचकर सारे पैसे इसके हवाले कर दिए। कोई तो है जो मानव की तरह खून कर रहा है और बर्फ में लाशों को छुपा रहा है। अच्छा, नंदिनी जी ना सही, पर आप तो हमें कोई जानकारी दे ही सकते हैं ना? सॉरी मैम, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है और किसी पे शक भी नहीं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप नंदिनी को अकेला छोड़ दीजिए, वरना उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम नंदिनी को अंदर ले जाए। ठीक है, मानव आ जाएगा। कोई तो है, कोई है जो नहीं चाहता कि मेरा मानव मेरे पास वापस आए और हम खुशी खुशी फिर से जीवन बिताए। नंदिनी लेके चलिए। कोई जरूर है। सॉरी सर। मानव आ जाएगा ना, मानव। नंदिनी की हालत वाकई में खराब है या पति एक साइको किलर, फिर भी उसके लिए इतना प्यार, थोड़ा अजीब तो है सर। हाँ सर, इतने सालों बाद फिर उसी तरीके से मर्डर शुरू होना, कुछ तो अजीब है। इस केस के तय तक पहुंचने के लिए हमें दो चीजों का पता करना होगा, एक तो अंगना के परिवार वालों का क्या कहना है, और दूसरा वो दूसरी औरत कौन है जिसका खून हुआ। माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि
अंगना के कातिल को जल्द से जल्द हिरासत में ले ले ताकि वो किसी और निर्दोष को अपना शिकार ना बनाए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिस पर आपको शक हो? जी नहीं। पिछले कुछ दिनों में उसने आप लोगों को कुछ बताया जो आप लोगों को अजीब लगी हो? कोई बात, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी? इससे झगड़ा करना, बहस करना, ये अंगना के स्वभाव में ही नहीं था। और वो मुझसे हर बार शेयर किया करती थी। कल ऐसा कुछ होता तो वो मुझे मुझसे कभी छुपाती नहीं। आप लोगों के अलावा कोई और था जिसके अंगना करीब थी? नहीं सर, बस वो हम दोनों से ही सबसे ज्यादा करीब थी। क्यों सर? क्योंकि केदार जी, हमें लगता है कि जिसने भी अंगना का खून किया है वो उसे बहुत करीब से जानता था। करीब मतलब ये खून जोश में या अचानक किया गया खून नहीं है, सोच समझ के की गई हत्या है ये। क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ समय पहले अंगना का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, हुआ था। ये आपको ऑटोप्सी से पता चला? जी नहीं, उसके खूनी ने हमें बताया। जब वो खूनी अंगना से टॉन्सिल के बारे में पूछ रहा था तब उसकी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। सर ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अंगना ने खुद हम दोनों से बोला था कि उसकी टॉन्सिल की सर्जरी के बारे में किसी को पता न चले। तो तुम दोनों के अलावा अंगना के टॉन्सिल के बारे में सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को ही मालूम है जहाँ पे अंगना का ऑपरेशन हुआ था? हाँ सर, 3 दिन पहले हॉस्पिटल से फोन आया ये कहने के लिए कि अंगना की सारी रिपोर्ट्स आ गई है। 3 दिन पहले अंगना के सारे रिपोर्ट्स तैयार थे और 2 दिन बाद उसकी मौत। शायद उस खूनी के बारे में हमें हॉस्पिटल से पता चल सकता है। सर ये 10वीं दुकान है। हमारे लिस्ट के मुताबिक बस 2 दुकानें और बची हैं जहां पर ऐसे हार रिपेयर कराए जाते हैं। बहुत पुराना है। फिस्ट, मुझे लगता है कि ऐसा हार अभी हाल ही में हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया तो था। उन्हें जरा इधर आना। जी पुनीत, ये सीआईडी ऑफिसर है, इन्हें कहीं से ये थीस रत्नों का हार मिला है। मुझे लगता है कि ऐसा हार हमारे पास अभी हाल ही में किसी लड़की ने रिपेयर कराया तो था। सर देखो ना। हाँ किया तो था। अरे ये तो वही थीस पत्थर है जो एक मैडम ने खास तौर पे कहा था कि ये उनकी माँ की निशानी है और वो इस पर पॉलिश नहीं करवाना चाहती। हाँ कमाल है, थीस पत्थरों के हार को देख के आप लड़की को पहचान गए। सर ये मैडम हमारी पुरानी कस्टमर है। फिर तो जिस लड़की का ये हार है उसे अच्छी तरह से जानते होंगे आप? हाँ सर, और वो मैडम तो हमेशा जल्दी में रहती हैं। कल 3:30 बजे आकर कहा कि बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी में हूँ। फिर क्या सर, रिसीप पर साइन किए बिना ही हार लेकर चली गई, कहा कि बाद में आकर साइन कर दूंगी। 1 मिनट, वो रिसीप निकालना। हाँ ये मिस युक्ता, 21 रेड विला कार्ट रोड बांद्रा। सर फोन नंबर भी है। हाँ मैडम, मैंने रिसीप पर साइन करने के लिए ना फोन भी किया था लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त यहाँ से युक्ता वो हार लेके जा रही थी आपके दुकान से किसी आदमी ने उसका पीछा किया क्या? नहीं सर, उस वक्त यहाँ सिर्फ 2-3 लेडीज कस्टमर ही थी। अच्छा ठीक है, जिस वक्त युक्ता यहाँ पे थी दुकान में और कौन कौन मौजूद था उन सबका नाम पता और फोन नंबर चाहिए हमें। Excuse me. Yes sir. कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? अपॉइंटमेंट ली है आपने? CID. सर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? आइसपिक मर्डर के बारे में तो पता ही होगा ना आपको? हाँ सर, आज सुबह ही मैं उसके बारे में अखबार में पढ़ रही थी। जिस एक लड़की का मर्डर हुआ वो हमारे ही हॉस्पिटल में। सर कहीं आप अंगना के बारे में जानकारी लेने तो नहीं आए? जी, जब अंगना का ऑपरेशन हुआ उस वक्त पुनी यहीं पर था। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। हमें यकीन है पुनी ने खुद अंगना को टॉन्सिल्स के बारे में बताया था। लेकिन अंगना तो उसके डॉक्टर के अलावा किसी से बात भी नहीं करती थी। 2 दिन में उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसी रात उसके डॉक्टर भी अमेरिका चले गए थे। और सर ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 3 दिन पहले अंगना के रिपोर्ट की खबर देने के लिए यहाँ से फोन किसने किया था? वो सर मैंने ही किया था। आपने किया था? आपने एग्जैक्टली क्या कहा था उसे? सर यही कि टॉन्सिल्स की रिपोर्ट अब नॉर्मल है
और अब उसे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये फोन पे इन्फॉर्मेशन दे रही थी तो आपके आसपास कौन खड़ा था? मेरे आसपास सर एक औरत थी और एक चाचा थे जो बार बार खांस रहे थे। अच्छा, उस दिन जितने मरीज आए थे इलाज के लिए उनके रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है? हाँ जी मिल सकती है। थैंक यू। उस औरत का हुलिया तो याद है ना आपको? युक्ता के बारे में क्या पता चला? सर युक्ता तो अकेली रहती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कत्ल वाले दिन उसके ड्राइवर ने उसे ज्वेलरी शॉप से उसके घर छोड़ा था। इस ड्राइवर से बहुत कुछ पता चल सकता है सर। बुला लो, पूछताछ करते। पेडी को भेजा उसे लाने के लिए। सर एक खूनी ठीक मानव की तरह ही खून क्यों कर रहा है? और जो खून करना ही था तो 6 साल के बाद क्यों? 6 साल के बाद ऐसा कौन है जिसे मानव के खून करने के तरीके की एक एक चीज पता है? तो शायद नंदिनी, मानव की बीवी, उसके सबसे करीब तो वही है। नंदिनी मानव की बीवी? हाँ सर, नंदिनी तो वैसे ही मानसिक तौर पे बीमार है, अपना ख्याल खुद नहीं रख पाती, पर ये सारे खून बिल्कुल सोच समझ के किए गए हैं सर। वही तो सर। हाँ, मिल गए हॉस्पिटल के पेशेंट्स की लिस्ट और जोरी के कस्टमर्स की? यस सर। तो क्या पता चला? सर एक नाम है जो खून होने से पहले दोनों जगह पर मौजूद था। कौन है? ये कैसे हो सकता है सर? इसका क्या लेना देना हो सकता है मानव के केस से? फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा सर। ब्यूरो में बुला के पूछताछ करते हैं। बुलाते हैं लेकिन पहले इस मानव से जाकर मिलते हैं। मानव से। मन, अंधेरे में क्यों बैठे हो? कौन है तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मानव, ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों रहते हो। सर ये हमेशा ऐसे ही रहता है, गुमसुम, ज्यादा बातचीत नहीं करता, बैठे दीवारों में पेंटिंग बनाता रहता है। कैसे हो मानो? कौन मानो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे नए दोस्त हैं। दोस्त? हाँ, तुमसे मिलने आए हैं, बातें करने आए हैं। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे अंधेरे में अकेले क्यों रह रहे हो यहाँ पे? नहीं नहीं, ये घर है मेरा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ यहाँ। पत्नी के साथ? तो कहाँ है आपकी पत्नी? हमसे मिलवाएंगे नहीं आप? क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम है उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी? नंदिनी नाम है उनका। और ये आपकी पत्नी है नंदिनी। तुमको तो मैंने मार दिया था। मैंने मारने की कोशिश की थी तुमको। मैंने मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तुम लोग जाओ यहाँ से।
बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूं। आप ठीक कह रही थी, उनकी याद करने की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है, दो औरतें, इनमें से एक शायद आप हैं। जी, दूसरी कौन है? शायद ये सारा हो सकती है, रोहित की पत्नी। उसे ऐसे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में आती है। मानव ने शायद हम दोनों को एक साथ देखकर ही ये स्केचेस बनाए होंगे। सारा हॉस्पिटल में भी, चोरी की दुकान में भी, नंदिनी के घर में भी और यहां भी, इस केस के सारे तार इस सारा से जुड़ रहे हैं। सचिन, इतिहास निकालो सारा का। सारा जी, जब आप बीएनपी हॉस्पिटल में गई तब एक लड़की के मेडिकल रिपोर्ट की बात हो रही थी, दो दिन बाद उस लड़की का खून हो गया। जब आप चोरी के दुकान में गई, वहां पर एक लड़की आई, कुछ घंटों बाद उसका भी खून हो गया। कैसे, क्यों? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कैसे बता सकती हूँ ये खून क्यों हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी अंधेरी में दवाई की दुकान है ना? जी। खूनी ने उन दो लड़कियों को बेहोश करने के लिए स्लेप्टिफोम नाम का ड्रग इस्तेमाल किया, जो तुम्हारी दवाई की दुकान में भी मिलता है, आया ना? इसका मतलब ये थोड़ी है कि खूनी मैं हूँ। तो फिर आप ये बताइए कि जब मानव से मिलने के लिए नंदिनी संवेदना केंद्र जाती थी, तो आप हमेशा उसके साथ में क्यों जाती? देखिए, मानव मेरी दोस्त नंदिनी का पति है, नंदिनी की तबीयत नाजुक रहती है, तो उसे सहारा देने में चली जाती थी। किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी है। सारा, तुम एक आर्टिस्ट हो ना, खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स करती हो, तो फिर सारा जी, उन दोनों लड़कियों की लाशों पर से हमें ऑयल पेंट के ट्रेसेस मिले हैं, ऑयल पेंट। देखिए, ये सब एक इत्तेफाक है, वाकई में खून मैंने नहीं किए। सारा जी, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती, तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। सब, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए। सर, ये चमन है, युक्ता का ड्राइवर। चमन, बताओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं तो युक्ता मैडम के साथ दोपहर के 4 बजे तक ही था, उसके बाद मैं गाड़ी की सर्विस कराने चला गया। सर, आप लोग चाहें तो सर्विस सेंटर से मालूम कर सकते हैं, वो हम पता कर लेंगे। पहले ये बताओ कि युक्ता को जौली के यहाँ से 3:30 बजे पिकअप करने के बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद में युक्ता मैडम को मैं घर पे ले गया। फिर क्या हुआ? फिर वो घर के अंदर चली गई और मैं सर्विस सेंटर के लिए निकल पड़ा। तभी मैंने अचानक देखा कि एक आदमी उनके पीछे पीछे घर में घुस रहा था। कौन था वो आदमी? जी सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। सच बोल रहे हो? जी सर। जाओ तुम। थैंक यू सर। अभिजीत, कौन था ये आदमी? क्या करने गया था युक्ता के घर में? पता लगा। वगैरह खोल दो सर।
चमन ने कत्ल वाली रात को यहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखा था। ये देखो, दो कप है कॉफी के, दो प्लेट में सैंडविच। इसका मतलब कोई तो था यहाँ पे। इसे युक्ता अच्छी तरह से जानती थी सर, क्योंकि यहाँ पे हाथापाई या जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं है। मतलब युक्ता अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ गई थी यहाँ से? हाँ सर, कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त या कोई ऐसा जो किसी काम से आया हो। मगर कौन आदमी, कौन था वो? चेक करो घर को अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। तो ये चक्कर है। सचिन। हाँ सर। हाँ सर। ये देखो प्रॉपर्टी के पेपर है, कूल जोन आइसक्रीम पार्लर बैंड्रा। सर ये मानो कि आइसक्रीम पार्लर का नाम भी तो कूल जोन ही था ना, उसका पार्लर भी तो बैंड्रा में था। और सर 2006 में मानव ने सारे खून वहीं किए थे, और बाद में रोहित और सारा ने वो आइसक्रीम पार्लर बेच दिया था। किसे? युक्ता को। हाँ, युक्ता को। सर इसका मतलब युक्ता सारा को जानती थी और वो सारा के साथ कहीं जा सके इतना विश्वास भी करती थी। हाँ सर, लेकिन ये ड्राइवर चमन तो कह रहा था कि उसने युक्ता के घर पे किसी आदमी को आते हुए देखा था। तो सारा के साथ युक्ता का बाहर जाना बनता नहीं है। अगर वो सारा नहीं थी तो फिर कौन हो सकता है? वही जो सारा की दवाई की दुकान से दवाई निकाल सके, जो सारा के साथ हॉस्पिटल और जौहरी की दुकान पे जा सके। कौन हो सकता है सर? तुम लोग भूल गए, इस कहानी में एक किरदार और भी है जो सारा के साथ पिछले 7 सालों से चाय की तरह साथ साथ है। यहाँ क्यों लेके आए हो? बैठो नंदनी। पर तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बताता हूँ। यहाँ अच्छा नहीं लगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज बताओ मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पागल हो गए क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। लो, इनमें से कोई एक पसंद कर लो। मतलब उन दोनों लड़कियों का खून तुमने किया? मैं ही हूं जो तुम्हारे पति की नकल कर रहा हूं। सर लगातार दोनों के नंबर ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये आखिरी बार कहां पे ट्रेस हुए थे दोनों? जॉली हाउसिंग सोसाइटी सर, जहाँ दोनों रहते हैं, वो भी 1 घंटे पहले। सर आपको पूरा यकीन है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं? सर ये भी तो हो सकता है कि रोहित नंदनी को वहाँ नहीं कहीं और ले गया। निखिल फिलहाल तो मैं खूनी के दिमाग से काम दे रहा हूँ। मतलब सर? मतलब ये कि रोहित मानव के खून करने के स्टाइल की हूबहू कॉपी कर रहा है, और मानव ने ज्यादातर खून उस आइसक्रीम पार्लर में ही किया। करेक्ट, युक्ता का तो उसने खून कर दिया है, ये पार्लर तो बंद होगा। इसलिए नंदनी का खून करने के लिए रोहित के पास कूल जोन आइसक्रीम पार्लर से ज्यादा सुरक्षित जगह तो हो ही नहीं सकती। चल अब इनमें से कोई एक चुन लो। ये थोड़ा छोटा है ना? इसे क्या करोगे तुम? जो तुमको
हो पसंद उसी से वार करेंगे। चल चल सर, हम लोग पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। अक्कड़ बक्कड़ बंदे हो, 80-90 पूरे 100 में लगा भागा। रोहित निकल के भागा। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे? तुम पागल हो गए हो। अन्ना और युक्ता की तरह तुम मुझे नहीं मार सकते। कब तक बचोगी नंदिनी, कब तक? अगर तुम्हारा वो पागल पति पकड़ा ना जाता तो एक ना एक दिन कोई तुम्हें मार। क्या अपने पति के हाथों ना सही, अपने आशिक के हाथों। आशिक, तुम? तुमसे नफरत करती हो? जब तुम उस साइको से प्यार कर सकती हो तो मुझसे क्यों नहीं? खूनी वो भी है और खूनी हम भी, पागल वो भी और अब तो तुम्हारे प्यार में हम भी पागल हो गए। रोहित देखो, ये आइस पे फेंक दो, मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं नंदिनी, मैं तो तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर रहा हूं ताकि तुम हमेशा मेरी यादों में अमर रहो। सॉरी नंदिनी। कौन से? छोड़ मुझे, छोड़। आज इसे मैं यहीं खत्म करूंगा, बर्फ में कब्र बनाऊंगा तेरी मैं। इसकी वजह से मैं कातिल बन गया। नंदिनी, अगर तू मेरी ना हो सकी ना तो किसी की भी नहीं होगी। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। मैं भी मानव की तरह एक सीरियल किलर बन गया और मैंने अंगना की तरह युक्ता का भी खून कर दिया। मेरी दोस्ती युक्ता का सिर्फ इस नंदिनी की वजह से। इतना ही नहीं बल्कि तुमने अपने अपराध में अपनी बीवी सारा को फंसा दिया, जबकि उसका युक्ता के साथ ज्वेलरी स्टोर में होना और अंगना को रिपोर्ट बताते वक्त हॉस्पिटल में होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। हाँ, लेकिन लेकिन सर, ये सब मैंने जिसके लिए किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया। सर गलत मैं नहीं हूं, सर गलत ये नंदिनी है। गलत क्या है और सही क्या है उसकी पहचान तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो दिमाग ठिकाने पे नहीं है तुम्हारा। पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा और फिर जो गुनाह तुमने किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.